होने जा रहा है रब की तरफ से। मियां नवाज शरीफ साहब ने अपना फैसला लेके सालन में छोड़ा था, तीन गवाहियां आ चुकी हैं, अगर इन पे भी फैसला नहीं होता तो चौथी गवाही बहुत जल्दी आएगी जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकेगा। चौथी गवाही कौन सी? चौथी गवाही भी इससे सख्त होगी, वो एक वीडियो है जिसमें आपको ये पता चलेगा कि मियां नवाज शरीफ के साथ जो ज्यादती हुई जिन लोगों ने की और उसमें क्या क्या मंसूबे होते रहे, लेकिन जो राणा शमीम साहब ने बात कही है उसकी तस्दीक होगी। साकब निसार साहब का नाम बिल्कुल है, साकब निसार साहब का नाम है। साकब निसार साहब ने कहा कि भाई मियां नवाज शरीफ को सुना दो, राणा शमीम साहब भी वही बातें कर रहे हैं जो स्टूडियो में जो है, और चौथी वीडियो आने के बाद मेरा नहीं ख्याल कि कोई गुंजाइश रहेगी, लेकिन ये अदलिया से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी पे इंसाफ कर दें, नवाज शरीफ को इंसाफ दे दें। आपने उस जज अरशद मलिक को तो नौकरी से भी हटा दिया, वो दुनिया से चला गया, उसकी सजा अभी तक कायम है, तो रब ताला ने ये तीसरी गवाही लाई, अब चौथी भी आने वाली। बहुत शुक्रिया। YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।